आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो जो प्रभु ने हमारे जीवन में दी। और हम धन्यवादी हैं कि रात भर में संभाल के परमेश्वर ने एक सुंदर दिन को हमें दिखाया। इस बात के लिए हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना के लिए एक भजन गाएं। ए बोझ से दबे हुए लोग तुम पाओ मेरे पास विश्राम तुम, ए बोझ से दबे हुए लोग तुम पाओ मेरे पास विश्राम तुम। प्रेम को तुम इस जहां में ढूंढते, झूठ व फरेब प्राप्त कर सके। मैं तुम्हें को ढूंढने उतर आया, बचाने को तुम्हें क्रूस चढ़ गया। ऐ बोझ से दबे हुए लोग तुम पाओ मेरे पास विश्राम तुम, पाओ मेरे पास विश्राम तुम। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने। आज मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ परीक्षाओं के बारे में। जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परीक्षाओं में पड़े तो उन परीक्षाओं में हम स्थिर रहें, उन परीक्षाओं में हम आनंदित हों, ये समझ करके कि इसके बाद इन परीक्षाओं से जब हम बाहर निकलेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे और हम में किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। जब कभी हमारे विश्वास की परख हो तो उस समय आप लोग धीरज न छोड़ें, उस समय आप लोग निराश न होएं, उस समय आप लोग परेशान न होएं। जब कभी आपके विश्वास की परख हो तो उस समय आप आनंद मनाएं। उस बात को, उस विश्वास की परख को जो परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में आई है, आनंद की बात समझो, क्योंकि उसको पार करने के बाद आपके जीवन में किसी प्रकार की घटी कमी नहीं रहेगी और आप सिद्ध हो जाओगे और परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा। कई बार हमारे जीवनों में परेशानियां आ जाती है, कुछ कठिन समयों से हमें गुजरना पड़ता है, कई बार आर्थिक तंगी हमारे जीवनों में आती, कई बार हमारे जीवनों में सताव आता है, सामाजिक तौर पे परेशान किया जाता है, या फिर अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में हमारे विश्वास की परख होती है। और उस विश्वास की परख के समय हमें धीरज धरना है, परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखना है, उस समय हमें पीछे नहीं हटना है जब हमारे विश्वास की परख हो रही होती है। और जब हम उस विश्वास की परख में मजबूत बने हुए होते हैं और जब वो खरे निकलते हैं तब परमेश्वर हमें इनाम देता है, हमारे जीवन को वो आनंद से भर देता है, सुख से भर देता है, समृद्धि से भर देता है, जीवन का मुकुट हमें देता है, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी तब नहीं रहती है और हम सिद्ध हो जाते हैं, हम परफेक्ट हो जाते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हो जाता है। परंतु परीक्षाएं दो प्रकार की हैं, एक परीक्षा जिसे कहते हैं परख और दूसरी परीक्षा है परलोभ। परख और परलोभन। यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो वहां पर परख नहीं लिखा गया कि यीशु मसीह के विश्वास की परख हो रही थी, ऐसा नहीं लिखा गया। वहां पर इंग्लिश में लिखा है टेम्पटेशन। शैतान ने यीशु मसीह को परलोभन दिया वहां पे कि तू मुझे दंडवत कर तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, परलोभन दिया उसने। उसी प्रकार से शैतान हम सब के जीवनों में भी प्रलोभन लेके आता है और उस प्रलोभन में जब हम फंस जाते हैं तो हम परीक्षाओं में गिर जाते हैं। यानी कि जब कोई प्रलोभन में पड़े तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर बुरी बातों से किसी की भी परीक्षा नहीं करता, वो अच्छी बातों से परीक्षा करता है, जिस परीक्षा से निकलकर हम और मजबूत हो जाते हैं, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, हम दृढ़ हो जाते हैं, हमारी उन्नति होती है, वो ऐसी परीक्षा करता है। वो ऐसी परीक्षा नहीं करता जिसमें हम गिर जाते हैं। वो बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता, वो पाप से किसी की परीक्षा नहीं करता है, पाप में गिरा करके किसी की परीक्षा नहीं करता है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि परमेश्वर जब हमारी परीक्षा ले रहा है तो वह हमारे विश्वास की परख कर रहा है, हमें पाप में नहीं गिराएगा। जब हम पाप में गिर रहे हैं तो इसका मतलब कौन हमारी परीक्षा कर रहा है?
हाँ, या फिर हम अपनी अभिलाषाओं के कारण खींच करके उसमें गिर गए हैं। हो सकता है कभी कई बार हमारे जीवनों में ऐसा समय आए जब हमें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़े, कठिन समयों से गुजरना पड़े, विपरीत परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़े। उस समय यदि आपको इस बात का भरोसा है कि परमेश्वर के द्वारा मेरे विश्वास की परख हो रही है, तो उस समय उस बात को आनंद की बात समझो, न कि उस बात के लिए परेशान हो जाओ, डिप्रेस हो जाओ, आत्महत्या करने की सोचो। नहीं, उस समय हमें मजबूत होना है और उस बात को हमें आनंद की बात समझना है और दृढ़ता से विश्वास में बने रहना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है और उसके छुटकारे की हमें बाट जोनी है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर सुबह के लिए मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने ये सुंदर सुबह हम सबको दिखाई। परमेश्वर पिता, इस बात के लिए यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब के लिए परमेश्वर आपसे प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु। उन सबको आपकी पवित्र उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु जी, कि आप हर एक के जीवन में प्रभु जी कार्य कीजिए। प्रभु धन्यवाद ही प्रभु, आज का नया दिन आपने हर एक के जीवन में जोड़ा परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की सुबह में प्रभु हर एक को आप अपनी सुख समृद्धि आशीषों से भरे प्रभु जी, हर एक को दुर्घटनाओं से, कलेश से, बीमारियों से, विपत्तियों से, शैतान की गलत युक्तियों से, गड़बड़ियों से परमेश्वर पिता आप बचाएं परमेश्वर प्रभु। तेरे इस वचन के लिए प्रभु, कि जो प्रभु आज की सुबह में हमारे हृदयों में बोया गया है प्रभु, इस वचन के अनुसार प्रभु हम हर एक के लिए तुझसे दुआ करते हैं प्रभु, कि किसी को भी प्रभु जी आप परीक्षा में न पढ़ने दे पिता परमेश्वर, वरन प्रभु यदि वो परीक्षा में पढ़ते हैं प्रभु, प्रभु उनके विश्वास की उन्नति करें प्रभु। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन लोगों की परीक्षा शैतान कर रहा है प्रभु, उन्हें परेशानियों में डालकर, उन्हें विपत्तियों में डालकर और प्रभु समस्या उनके जीवन में लेकर आता है प्रभु, यीशु मसीह तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो शैतान की हर एक जो परीक्षा उनके जीवन में आती है यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसल आउट करते हैं प्रभु। दुष्ट की युक्तियों को हम नाश करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन से कैंसिल करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप प्रभु जी किसी को भी प्रभु परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु प्रभु उन परीक्षाओं से आप उन्हें सेव करें प्रभु जी। प्यारे खुदावन, आप प्रभु जी जिनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं प्रभु, आप उनके विश्वास को प्रभु और बढ़ाएं पिता परमेश्वर, उनके विश्वास की उन्नति आप करें, उनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि प्रभु उस विश्वास के द्वारा हर एक प्रभु आप में उन्नति पाए परमेश्वर। आपके उस विश्वास के द्वारा प्रभु जी, उस परीक्षा के द्वारा प्रभु जी, हर एक आपके नाम की महिमा को अपने जीवन में देख सके परमेश्वर पिता। हर एक जन को पिता परमेश्वर आप परीक्षा में आने से बचाएं पिता परमेश्वर, चाहे प्रभु जी उनके जीवन के वो हेल्थ से रिलेटेड हो प्रभु जी, उनकी शादी से रिलेटेड हो, उनके कारोबार से रिलेटेड हो, कर्जे से रिलेटेड हो, उनके बच्चों से रिलेटेड हो, उनके फ्यूचर से रिलेटेड हो प्रभु जी, कोई भी परीक्षाएं प्रभु उन्हें तोड़ने ना पाए, परंतु कोई भी परीक्षा उन पर हावी ना होने पाए, परंतु आप परमेश्वर हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, ताकि इन परीक्षाओं से वो निकल सके पिता परमेश्वर। हर एक को परीक्षा में आने से बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के पूरे दिन भर में प्रभु, आप हर एक को बीमारी से बचाएं प्रभु जी, हर एक को विपत्तियों से, परेशानियों से, दुख से, कलेश से प्रभु आप हर एक को बचाएं, और आज के दिन में प्रभु हर एक के काम तेरे नाम से सफल होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर हाँ और आमीन में दिया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।